हेलो एवरीवन, दिस वाज डे टू इन आसाम एंड आज हम जा रहे थे कामाख्या टेम्पल, जो कि आसाम का फेमस टेम्पल है, उसका दर्शन करने। तो अभी हम निकल चुके हैं, तो चलो लेट्स गो। पहले तो कुछ साल पहले प्रियंका चोपड़ा था, प्रियंका चोपड़ा थी, अभी शायद है ना, अभी शायद नहीं है, बाकी इसका पहले प्रियंका चोपड़ा था। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस, अभी हम जाने वाले हैं मेओंग, जो एक जगह है असम में ही, एंड वहाँ पे हमारा है रिसॉर्ट, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। एंड वो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके पास वो है रिसॉर्ट, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है। चलो चलते हैं, जाके मज़े करते हैं वहाँ पर, लेट्स गो। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm. So guys, ये है वो जगह जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं, मतलब ये नहीं, ये पीछे जो कॉटेजेस हैं यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं स्टे। और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ठंडा यहाँ पे क्लाइमेट है, जबकि गुवाहाटी में थोड़ी ह्यूमिडिटी थी और थोड़ा गर्म था, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो हाँ, मज़ा आने वाला है, लेकिन हम लोग ने सनसेट मिस कर दिया, बिकॉज जो यहाँ के ओनर है उन्होंने बताया था कि शाम का मतलब सनसेट यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। इवनिंग में यहाँ पे ना रिवर है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड वहाँ पे इवनिंग में व्यू बहुत अच्छा आता है, बट हम लोग ने मिस कर दिया, बिकॉज हम टेम्पल भी गए थे, कामाख्या टेम्पल, तो इसकी वजह से हम मिस कर गए। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं और अर्ली मॉर्निंग व्यू इन्जॉय करने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर भी जाएंगे हम कल, लेकिन अभी फ़िलहाल चलते हैं हमारे कॉटेजेस में, है ना। तो चलते हैं और अंदर का रूम दिखा दो आपको, बाहर से तो आपने देख ही लिया कितना प्यारा है। Even the nights, the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you can run what you believe. सो गाइस, दिस इज़ मनी प्लांट और ये मुझे आसाम में एज अ प्राइड मिला, सम्मान के तौर पर मुझे दिया गया ये, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू सो मच। और भी मुझे प्राइड में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, तो अभी तो फ़िलहाल हम आए हैं रिसॉर्ट में, तो मैंने आपको बता दिया। और ये है मेरा रूम, और यहाँ से सुबह हमारे रूम के बाहर सीना यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर व्यू दिखता है, तो मैं आप लोग को कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, सिर्फ आप लोग के लिए अर्ली मॉर्निंग उठ के आप लोग को व्यू दिखाऊंगा अच्छे से पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं चेंज कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और अभी हो रहा है सुबह, मतलब मैं थोड़ा लेट हो गया उठने में, बस हवा निकल गई, बट सामने से व्यू अभी भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना पहले होता, तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार व्यू, ब्रह्मपुत्र रिवर का व्यू। और यहाँ से रास्ता है रिवर की तरफ जाने का, तो मैं बाद में शायद जाऊंगा रिवर के पास एकदम। और ये देखिए व्यू,
और ये वो रोड है जहाँ से हम आए, हम इस तरफ से आए थे एंड यहाँ से नीचे सरने का। तो यस, ये व्यू देखिए। तो मैंने अभी आपको व्यू भी दिखा दिया है, लेकिन अभी मैं फटाफट से चेंज कर लेता हूँ, जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर उसके बाद हम जाएंगे रिवर के पास, शायद थोड़े वीडियोस एंड ऑल फोटोज एंड ऑल खींचेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे गुवाहाटी, हम मायांग की तरफ है और फिर हम जाएंगे गुवाहाटी बिकॉज हमारी रात की फ्लाइट भी है। तो हाँ गाइस, अभी यहाँ पर चलते हैं, पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। सो गाइस, हम आ गए हैं रिवर साइड पर और ये पीछे है हमारा रिसोर्ट एंड ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। बट मैं अपना ट्राइपॉड नहीं लाया, वरना मैं अच्छे से टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर सकता था। एंड यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है गाइस। सो गाइस, ये जो दो रॉक्स हैं इनकी भी हिस्ट्री है बहुत। ये देखिए, इसके बीचों बीच से रोड बना हुआ है तो इसकी भी हिस्ट्री है, आपको मैं बताता हूँ। पर आप ये व्यू देखिए पहले, तो कितना ब्यूटीफुल है ना। और ये जो रॉक्स हैं इस पे हम चढ़ने वाले हैं, फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। हाय, उनको भी ले लो। हम आ गए हैं पत्थर के ऊपर एकदम, जो मैंने आपको नीचे से पत्थर दिखाए थे। और इनका वो भी बता दो क्या है एक्चुअली, क्या बताते हैं यहाँ के हिस्ट्री में। हाँ, यहाँ की हिस्ट्री में है कि जो कृष्ण कन्हैया जी थे वो यहाँ पे बैठ के, इस पत्थर के ऊपर बैठ के फिशिंग करते थे इस ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो यस, और ये रहा हमारा रिसोर्ट और बाकी सब यहाँ पे, सिर्फ हम आए हैं अब तक और ये भैया जो हमें लेके आए अब तक ऊपर। अभी हम कहाँ से जा रहे हैं? सुरंग है नीचे, सुरंग से जा रहे हैं हम अभी, चप्पल्स में ट्रैकिंग कर रहे हैं हम। सो गाइस, अभी हमें इस ऐसे सुरंग जैसे टनल जैसे रास्ते से होके जाना पड़ेगा। तो मैं ये ट्रैकिंग, एडवेंचरस ट्रैकिंग कंप्लीट कर लेता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ होटल रूम में पहुँचने के बाद। शूज़ पहन लिए हैं बिकॉज स्लीपर्स में ट्रैकिंग कर ली थी, क्योंकि प्लान नहीं था, हम लोग ऐसे ही रिवर साइड पर घूमने जा रहे थे और पहाड़ दिखा और भैया ने बोला कि हाँ चल लो, तो हम चले गए ऊपर। बट अब शूज़ पहन लिए हैं अनप्लान चीज़ों के लिए, भी पहले से प्लान है। तो लेट्स गो, अभी जाते हैं, देखते हैं कौन सी जगह घूमने के लिए है। लेट्स गो, लेट्स गो ट्रैकिंग गाइस। यस, हाउ इज द जोश? हुर्रे, बहुत गर्मी है जोश, लेकिन गर्मी बहुत जोश में खराब है, बहुत गर्मी है, ह्यूज गर्मी। एंड अभी हम बहुत ही ठंडा है। पहले हम लोग ने स्लीपर्स पहन के ट्रैकिंग कर ली थी, अब शूज पहन के। पहले तो अभी भी मैं स्लीपर्स पहन के आया, नहीं मैंने शूज ही पहना। लेकिन आपने ट्रैकिंग ही नहीं किया, हम उतने जगह नहीं पाए। लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग बोटिंग करके जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, बट कोई अच्छा सा व्यू और लोकेशन देखने, तो चलो चलते हैं। पानी कमती हो रहा है ना, इसलिए रुबे भैया अभी बस जय श्री राम है। मामा, पापा, आइटा, कोका। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. थक गया गाइस और अभी भी हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और अभी हम यहाँ से बोट से आए पूरा रिवर से और अब हम जाएंगे चल के। और बाय बाय गाइस, बाय बाय। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, फाइनली सबको बाय बोल दिया हमने एंड अभी हम अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। सबको बाय बाय बोल दिया, बहुत अच्छा लगा आके। तो बाय बाय बाय। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर अपने वापस एंड थैंक यू सो मच ध्रुवो भैया एंड शाहरुख भैया, आपने बहुत अच्छे से हमें इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा गुवाहाटी आकर, एकदम ऐसे फैमिली टाइप फील आया, ऐसे लगा ही नहीं कि इवेंट के लिए, ऐसा लगा घर पे आए हैं आपके हम, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
अभी तो बाकी है और भी बहुत बार आना है, आना ही है। अभी तो ये पूरा रिश्ता घर का ही है, अभी घर घर का रिश्ता हो गया है। अभी सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरा आसाम आपको मिस कर रहा है, पूरा आसाम वाले आपको मिस कर रहे हैं। किरण दी को देने के लिए बहुत ज्यादा, स्पेशली किरण दी को सब लोग मिस कर रहे हैं। किरण दी का हंसी पूरा गाड़ी में रो रो के आई है, इतना मिस करने वाले। बहुत अच्छा लगा, बहुत मिस करने वाले। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बाकी तो आप लोग को परफॉर्मेंस तो टीवी पे दिखाई दे गई, तो देखते हैं बाकी। सी यू गाइस, बाय।